बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी न्यूज़ और मैं हूँ आमिर हबीब। आपको एक इंतहाई दिलचस्प खबर देते हैं जापान से। जापान में कम शरह पैदाइश और मजदूरों की शदीद किल्लत को देखते हुए एक मजदूर रोबोट तैयार कर लिया गया। जापान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी AIST के माहरीन ने बड़ी महारत से एक इंसान नुमा मजदूर रोबोट तैयार किया है जो तामीरात के साथ साथ दूसरे कई काम कर सकता है। इससे साफ जाहिर है कि कम अज कम जापान में रोबोट बहुत तेजी से इंसानों की जगह ले रहे हैं। इसकी एक समाजी वजह यह भी है कि जापान में रोबोट बहुत पसंद और कबूल किए जाते हैं। इस नए रोबोट को HRP5P का नाम दिया गया जिसमें मुख्तलिफ मोटरों का इस्तेमाल करके इंसानों की तरह लचकदार बनाया गया। अगरचे ये रोबोट फिल वक्त उस रवि से काम करते हैं लेकिन इसमें गलती का इम्कान ना होने के बराबर है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये रोबोट तेजी से काम करने के काबिल हो जाएंगे। पब्लिक टीवी न्यूज़ देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आमिर हबीब और ताज़ा तरीन खबरों और प्रोग्राम्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और विजिट कीजिए publictvnews.com।